एक कार्ड का ऑर्डर आपको डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है? ये बेसिक आ जाता है कार्ड के ऊपर कि कार्ड किस कैटेगरी का है। अगर तो नॉर्मल कैटेगरी का है, मैट है, शाइन है, नॉर्मली कार्ड है, तो वो तो हम अगले दिन ही दे देते हैं। दुकानदार तो ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन, ये उनका ये ब्रोशर्स हैं जो टू सेट प्रिंटेड है, आर्ट पेपर में है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर कोई न्यू दुकानदार करना चाह रहा है, हम उनको प्रॉपर गाइड भी करते हैं, ठीक है, और उनको कोई भी काम आए हम उनको गाइड करके बता देते हैं कि कितने में बुकिंग करनी है, ये तरीकाकार भी है। ये हमारे इश्तहार का है, ठीक है, काफ़ी लोग ले गए हैं, कुछ पड़े हुए हैं। ये स्टैंप वगैरह होती हैं, शादी भी होती हैं, और बहुत स्टैंप भी होती हैं हमारे पास जो पित्तल की होती हैं, तो वो देख सकते हैं पीछे ये सारी की सारी मशीन्स वाला रैक पड़ा हुआ है, मतलब डिफरेंट किस्म की मशीन्स पड़ी हुई हैं, मतलब ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर इंक भी होती है, आप पुश करेंगे तो आप इजीली जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं मार्केट वाइज यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हुए हैं बिस्मिल्लाह प्रिंटिंग एजेंसी के ऊपर, तो विकास भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो विकास भी बताइएगा कि एक कार्ड को बनाने के लिए किन किन मराहिल से कार्ड को गुजरना पड़ता है, और आपको जैसे पता है कि बिजनेस के लिए स्टार्टिंग से सबसे पहले जो एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होता है विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर। तो विजिटिंग कार्ड जो है उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और कैसे कैसे बनता है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे डिटेल के क्या क्या कार्ड की डिटेल है। जी, तो जी विकास जी बताइएगा। जी, हमारा प्रिंटिंग का जो टोटली प्रोसीजर है, पहला हमारा डिज़ाइन के ऊपर ये डिज़ाइनर भाई बैठे हुए हैं, डिज़ाइनर से हट के उसकी प्लेटें लगती हैं, ठीक है, प्लेटें लग के काम चला जाता है प्रिंटिंग के ऊपर, मशीनों के ऊपर प्रिंटिंग हो के आती है, फिर उसके बाद लेमिनेशन होता है, लेमिनेशन होने के बाद तो जो यूवी वगैरह होता है वो भी मशीन के ऊपर ही लगता है कि क्या सिस्टम होता है? वो भी मशीन के ऊपर ही लगता है, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग है। अगर तो आपका लेमिनेशन वाला है तो वो हम कटिंग करके उसको दे देते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर पहले उसकी यूवी होगी, ठीक है, यूवी होके फिर बाद में उसके राउंड कटिंग होते हैं कोने को। तो जैसे कि विकास भाई ने बताया कि सबसे पहले डिज़ाइनर के पास आता है, डिज़ाइन बनाता है डिज़ाइनर, उसके बाद उसकी वो डाई आपने बताया प्लेटें बनती हैं, प्लेटों के बाद वो प्रिंटिंग के लिए चला प्रिंटिंग के लिए चला जाता है, वो सारी प्रिंट होने के बाद वो जाता है लेमिनेशन पे के प्रोसीजर के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम सारा प्रोसीजर आपको दिखा रहे हैं कि लेमिनेशन वाली मशीन पर गया है, फिर यूवी मशीन के ऊपर गया है, फिर कटिंग हो रही है, तो ये पूरा का पूरा सेटअप इनका अपना है। कोई भी बंदा मतलब कोई कारोबार करना चाहता है और ज़्यादा क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी में इनको ऑर्डर देना चाहता है तो होपफुली ये पूरा ज़रूर करेंगे ऑर्डर। तो विकास भी बताइएगा इस टाइम आपके पास कौन कौन सी प्रिंटिंग होने के लिए आई हुई है और क्या काम की सिचुएशन चल रही है मार्केट के हिसाब से, तो ज़रा आपके सामने जो चीज़ पड़ी हुई है प्रिंटिंग की ये बताइएगा ये क्या चीज़ है? ये दरअसल हमें जो दुकानदार तो ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन, ये उनका ये ब्रोशर्स हैं जो टू सेट प्रिंटेड है, आर्ट पेपर में है, दरअसल ये हर किस्म के जो है ना लोगों के दुकानदार भी ये इश्तहारात होते हैं। ये पोस्टर है कि कार्ड है, क्या चीज़ है ये? इश्तहारात है, ये इश्तहारात ये कटिंग हो जाएंगे, ये मशीन पे जाएंगे अलग अलग सो के उनको हम उनको देते हैं। वैसे इसका साइज़ क्या होता है और इनकी प्राइस क्या है ये भी ज़रा लोगों को बताइएगा। ये दरअसल प्राइस इसके साइज़ के मुताबिक होती है और पेपर के मुताबिक होती है, ये हम उनको रेट लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे तो जो उनका साइज़ होगा वो उनको उसके मुताबिक बता दिया करेंगे। तो जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं लाइक मतलब कि वो उनकी शॉप बना लेते हैं विजिटिंग कार्ड के लिए, तो शॉप बनाने के बाद अगर वो अपने एरिया में शॉप बनाते हैं जी बिल्कुल, वो ऑर्डर पकड़ते हैं और आपके पास ऑर्डर आपको व्हाट्सएप करते हैं या आपकी शॉप पे आके देते हैं, तो क्या ऐसा आप करते हैं ऐसा बिजनेस लोगों के साथ मिलकर ज्वाइंट बिजनेस करते हैं? जी बिल्कुल, हमारी ऑलरेडी शॉप्स लगी हुई हैं लाहौर से बाहर, आउट ऑफ सिटी काफ़ी सारी हमारी जो है शॉप्स हमें ऑर्डर्स करती हैं, हम उनको ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उसके उनके पास जो काम आता है हम वो हमसे पहले रेट ले लेते हैं, हम उनको रेट दे के वो काम हमें मेल्स के जरिए ऑनलाइन के जरिए भेजते हैं, पेमेंट लगा लेते हैं जैस कैश के जरिए अकाउंट में, तो हम उनको उनका पार्सल बिल्टी करवा देते हैं। मतलब कि पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, जो लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं पहले वो मतलब अपनी शॉप खोलें, शॉप खोलने के बाद वो अगर कोई डिज़ाइन वहाँ से बनाते हैं, उनको कोरल ड्रा वगैरह सॉफ्टवेयर आता है जी जी, तो वो आपको सेंड करें, पेमेंट करें और आप उनको डिस्पैच कर देंगे उनके पार्ट्स। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर कोई न्यू दुकानदार करना चाह रहा है हम उनको प्रॉपर गाइड भी करते हैं, ठीक है, और उनको कोई भी काम आए हम उनको गाइड करके बता देते हैं कि कितने में बुकिंग करनी है, ये तरीकाकार भी है, हम उनको रेट लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उनको आसानी भी तरीकेकार बताते हैं कि किस सॉफ्टवेयर में उनका काम हो, किस सॉफ्टवेयर में उनकी फाइल्स आए हमारे, तो उनको जो ट्रेनिंग होती है मतलब लोग सॉफ्टवेयर सीख तो लेते हैं, इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा हैं, कॉलेज इतने ज़्यादा हैं, तो एक मार्केट में पता है आपको आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, आपके पास देख रहा हूँ पीछे रश लगा हुआ है, ज़रा मेरे कैमरा मैन भाई दिखाएं, तो पीछे सारे डिज़ाइनर जो हैं वो काम कर रहे हैं, लोगों क्लाइंट्स के जो है वो डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये जो काम है प्रोफेशनली कार्ड बनाना, कटिंग करना, इन चीज़ों का सबका,
तो क्या ये लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं? मतलब कोई बंदा आता है आउट ऑफ सिटी, कहता है मुझे थोड़ा सा बताएं कि प्रोफेशनली आप कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, तो आप इस चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? ये दरअसल ना जो कॉलेज के लड़के होते हैं सॉफ्टवेयर तो सीख लेते हैं, लेकिन जब वो प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो वो दरअसल उससे हटके हैं। तो ये चीज़ है, अगर हमारे पास कोई फाइल्स लेके आता भी है ना, तो हम उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि ये प्रिंटेबल फाइल्स है, इसको हम सेटिंग करना बताते हैं, इसका साइज़ लगाना बताते हैं। बाद लोगों को साइज़ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, साइज़ कुछ लगा लेते हैं प्रिंटिंग में, जब होके आता है तो उनका नुकसान हो जाता है, तो इसलिए हम उनको पास बिठा के साइज़ भी बता देते हैं कि ज़रा हमारे क्लाइंट्स को अपने जो साइज़ हैविस्टिंग कार्ड हो गया, ब्रोशर हो गया, और इनके साइज भी लोगों को बता दें कि वैसे स्टैंडर्डली जो कार्ड चल रहे होते हैं मार्केट के अंदर से 2.53 होता है साइज़, मतलब उसकी हाइट विड्थ होती है, और ब्रोशर का दरअसल विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है वो 3.5 होता है, ठीक है, उनका उसी के अंदर ही हमने मैटर साइज लगाना होता है, तो मैटर साइज उसका 3.2 है और 1.7 है। बाद लोग ये चीज़ लगाते नहीं है, पूरा साइज़ बना के भेज देते हैं। अच्छा, तो प्रिंटेबल नहीं यूज़ होता। तो जो लोग इनके साथ काम करना चाहते हैं, इनके साथ लग के अपना रोज़गार जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इनकी शॉप का ज़रूर विज़िट करें। हम आपको उन शॉप्स के ऊपर लेके जाते हैं जो बेसिकली मार्केट के टाइकॉन होते हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इनका कैबिन जो है वो विजिटिंग कार्ड के ऑर्डर से बड़ा हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा रैक नहीं है कि जो खाली हो, स्टिकर्स पड़े हुए हैं, कार्ड्स पड़े हुए हैं, और नीचे जो है वो डिज़ाइनर जो है जितने भी डिज़ाइनर बैठे हुए हैं 4-5, वो सारे के सारे लोगों के क्लाइंट्स के जो है विजिटिंग कार्ड हो गया, ब्रोशर्स हो गया, वो सारे बना रहे हैं। तो वकास भी ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि जो लोग ऑर्डर करते हैं आपको कार्ड देते हैं ऑनलाइन, मतलब आपने बताया कि हमारी सर्विस है, आप व्हाट्सएप पे डिज़ाइन सेंड करें, हम जो है वो बना के आपको पेमेंट भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी और हमको डिस्पैच कर देंगे, तो एक कार्ड का ऑर्डर आपको डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है? ये बेसिक आ जाता है कार्ड के ऊपर कि कार्ड किस कैटेगरी का है। अगर तो नॉर्मल कैटेगरी का मैट है, शाइन है, नॉर्मली कार्ड है, तो वो तो हम अगले दिन ही दे देते हैं। दूसरा, आजकल यूवी कार्ड आए हुए हैं, डॉटेड स्पॉट उसके ऊपर होता है, तो वो तकरीबन हम 2-3 दिन के अंदर उनको। तो कैसा है, आप हमें कार्ड्स की कोई वैराइटीज दिखा सकते हैं? बस कुछ कार्ड पड़े हों जी? बिल्कुल, ये देखें सारे कार्ड ही लगे हुए हैं। ये अगर आप इधर आ जाएं तो ये अलग अलग दुकानदारों के कार्ड्स हमारे पास हैं। ये देखें, ये यूवीज में आए थे, ये स्पोर्ट्स होते हैं, इसके अंदर ये अगर हार्ड कार्ड चाहिए तो पेस्टिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ज़रा सारी वैराइटीज़ के बारे में ज़रा बता सकते हैं अगर शॉर्ट टाइम में, अगर बताना चाहें जो आपके पास प्रिंटिंग वाले पड़े हुए हैं, कि इसमें सारे यूवी वाले पड़े हुए हैं कि कुछ यूवी के बगैर भी पड़े हुए हैं? ये टोटली जो इसका ये सारे यूवी वाले अगर इस साइड पे आते हैं तो वो सारे जो है नॉर्मल रूटीन में जो यूज़ होते हैं वो सारे इस बॉक्सेस में लगे होते हैं। तो कोई एक सैंपल हमें दिखा सके ताकि लोगों को पता चल सके कि उसकी खूबसूरती क्या होती है यूवी कार्ड की और एक नॉर्मल कार्ड की? अब ये नॉर्मल कार्ड है, ये मैट में पहले यूज़ होता था, अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर होता है मैट शाइन, ये शाइन वाला है, देखें ये शाइन दे रहा है, ये इसको हम शाइन कहते हैं। तो 1000 का क्या रेट है कार्ड का? ये दुकानदारों के लिए जो हम अगर वो न्यू अगर करना चाह रहे हैं तो उनको हम रेटली सेंड कर देंगे, ठीक है। ये हम 800 का 800 कार्ड दे रहे हैं, ठीक है। और कस्टमर को क्या होता है, कस्टमर के लिए क्या रेट होता है? मतलब कोई बंदा ऑर्डर करना चाहता है हमारी वीडियो देख के, तो उसके लिए क्या रेट होगा? ये कस्टमर के लिए भी वही रेट है, अगर दुकानदार करेगा तो डिज़ाइन अपना भेजेगा तो उसका हम डिज़ाइन के पैसे इस पर लेस कर देंगे। तो वो कास्ट भी ज़रा बताइएगा, एक कार्ड तो हो गए, इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी वैराइटीज़ है, किन किन चीज़ों के ऊपर आप काम करते हैं? मतलब लाइक हो गया बिल बुक हो गई, ब्रोशर तो आपने बता दिया, और इसके अलावा मैंने सुना आप स्टैम्प वगैरह भी बनाते हैं, स्टिकर वगैरह भी बनाते हैं, ज़रा वो हमें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, ये हमारे इश्तहारात का है, ठीक है, काफ़ी लोग ले गए हैं, कुछ पड़े हुए हैं। अदरवाइज ये स्टैम्प वगैरह होती हैं, शादी भी होती हैं, और बहुत स्टैम्प भी होती हैं हमारे पास जो पित्तल की होती हैं, मशीन भी होती है हमारे पास, तो वो देख सकते हैं पीछे ये सारी की सारी मशीन्स वाला रैक पड़ा हुआ है, मतलब डिफरेंट किस्म की मशीन्स पड़ी हुई हैं, मतलब ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर इंक भी होती है, आप पुश करेंगे तो आप इजीली जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो वकास भी स्टैंप जो है उसका क्या प्राइस है, उसकी क्या कॉस्ट होती है डिज़ाइन के साथ अगर कोई बंदा बनाना चाहता है स्टैंप? वो दरअसल ये है कि कुछ मशीन होती हैं, कुछ शादी स्टैम्प हम 150 की दे देते हैं, ठीक है। मशीन है कोई 450 की है, कोई 500 की है, कोई 600 की है। ये हम बोस स्टैंप है, ये पेपर के ऊपर हम बोस करते हैं, मतलब पेपर के ऊपर हम बोस आ जाता है। अच्छा, तो ये भी बनाते हैं आप? जी बिल्कुल, ये भी हम बनाते हैं। इसके क्या चार्जेज होते हैं? ये भी मुख्तलिफ कैटेगरी में आते हैं, कुछ साइज़ बड़ा है, कुछ छोटा है। ये सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ पे अगर हम गोल्ड पन्नी लग दें, ठीक है, पन्नी रख के भी अगर ऐसे करेंगे इसको, गोल्डन सिल्वर पन्नी भी होगी तो ये भी उसको एम्बॉस करेगा। ये देख सकते हैं बेसिकली जो सर्टिफिकेट होते हैं या गवर्नमेंट जो अदारों में यूज़ होती हैं चीज़ें, बेसिकली ये अलग साइज़ होते हैं, वैसे नॉर्मल रूटीन में जो होती है 5000 की, नॉर्मल रूटीन में ये 5000 रुपये की, और इसमें जो डाई लगी हुई है उसके भी चार्जेस होते हैं कि सारे इंक्लूड, ये टोटली हम बना, तो ये बहुत ही मुनासिब प्राइस है। तो इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं आप?
इसके अलावा आपको स्टैंपर्स का बताया है, फ्लेक्सेस हैं, ठीक है, अगर मशीन जो, और शादी कार्ड भी, शादी कार्ड पहले कर रहे थे, अभी भी दोबारा स्टार्ट करेंगे, उसका ज़रा सीज़न के हिसाब से होता है। ठीक हो गया, तो वो कास्ट भी बताइएगा लोगों को, जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठ के कार्ड बनवाना चाहते हैं कार्ड, क्योंकि एक बहुत ही जो है वो पहला स्टेप होता है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है आपने, तो आपको विजिटिंग कार्ड रिक्वायर्ड होता है, आपको ब्रोशर रिक्वायर्ड होता है, तो जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं वो कैसे आपसे रब्ता करें, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, ज़रा अपना एड्रेस, अपनी शॉप की लोकेशन कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन और अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। ये देखें, ये हमारा कार्ड है, बिस्मिल्लाह प्रिंटिंग एजेंसी के नाम से है, इसके अंदर ही ईमेल्स भी है, एड्रेस भी है, 14 मेयो हॉस्पिटल रोड लाहौर है, ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, एक नंबर हमारा जो ऑनलाइन के लिए हमने उसका रखा हुआ है 5818228। तो व्यूअर्स, इनकी शॉप की डिटेल, इनकी शॉप कहाँ पे है, उसकी सारी डिटेल, उसकी लोकेशन और उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।